स्टूडेंट बेटे, आज मैं आपको ऑर्गेनाइजिंग यूनिट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करा रही हूँ बच्चों, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब बेटे, पहले टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रैक्टिकली आपको डिस्कस करना चाहती हूँ कि डेलीगेशन होता क्या है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? ड्यू टू एक्सेसिव वर्कलोड, ए मैनेजर इज नॉट कैपेबल टू डू होल द वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। आप सबको पता है बेटे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सेसिव वर्कलोड हो जाता है मैनेजर पर काम करने का, ठीक है? तो वो सारे के सारे काम खुद नहीं कर सकता, देन वो क्या करता है स्टूडेंट, काम को डिवाइड कर देता है, ठीक है बच्चों? अब वो काम को बेसिकली डिवाइड कर देता है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है यहाँ पर, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम सौंप रहा है करने के लिए, एंड इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू प्रोवाइड अथॉरिटी फॉर द वर्क परफॉर्मेंस। केवल काम सौंपना ही डेलीगेशन नहीं है बच्चों, काम को देने के साथ साथ उस काम को पूरा करने के लिए अथॉरिटी देना भी क्या है बच्चों, डेलीगेशन का ही पार्ट है। तो देखो बेटे, डेलीगेशन के अंदर तीन चीजें आती हैं। एक तो आता है बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना बेटे, क्या आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। सेकेंड आता है बेटे रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटे, कि डेलीगेशन के अंदर हम लोग सबसे पहले उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपको काम को करना है, ओके। सेकेंड वन, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने के बाद ग्रांटिंग अथॉरिटी, हम उसको अधिकार देंगे, अधिकार देंगे बेटे, तभी तो अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएगा। एंड फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, और हम उसकी जवाबदेही को क्या करेंगे बच्चों, निश्चित करेंगे। तो बेटे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, जब एक मैनेजर बेसिकली सारे काम नहीं कर पाता है तो वो अपनी अथॉरिटी को अपने सुबॉर्डिनेट्स को डिवाइड कर देता है, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको काम देना करने के लिए लाइबिलिटी उनको देना। सेकेंड वन, ग्रांटिंग अथॉरिटी, उस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सके इसलिए उसको क्या देना बच्चों, अथॉरिटी देना। एंड लास्ट वन, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, और उसकी अकाउंटेबिलिटी को क्या करना बच्चों, फिक्स करना। तो देखो बेटे, इस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों का भारापन। अब इसके बारे में पढ़ेंगे बेटे, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का है। देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इट रेफर्स टू द प्रोसेस, ये एक तरह से बच्चों क्या है प्रोसेस, एंट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व सौंपने की, यानी कि काम जिम्मेवारी देने का। सेकेंड, एंड अथॉरिटी एंड क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पर्सन टू होम वर्क हैज बीन हैंडेड ओवर। इसका मतलब क्या है सुनिए बच्चों ध्यान से। देखो बेटे, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम उसको क्या करते हैं, एंट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको लाइबिलिटीज देते हैं काम करने के लिए, ठीक है बच्चों, वो उस काम को बेहतर तरीके से करे इसलिए उसको क्या देते हैं बच्चों, अथॉरिटी देते हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा कि क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करते हैं ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति के लिए टू होम वर्क हैज बीन हैंडेड ओवर। अब देखो बेटे, इस क्वेश्चन के अंदर देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बेटे, एक डिपार्टमेंटल मैनेजर ने, फाइनेंस मैनेजर ने क्या किया, अपने सब डिपार्टमेंटल मैनेजर को काम दिया करने के लिए, ठीक है बच्चों। अब वो उसने काम उसको दे दिया करने के लिए, अब वो नीचे अपने बेसिकली जो सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं सब डिपार्टमेंटल मैनेजर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ट्रांसफर कर सकता है, ओके। अथॉरिटी ऑल्सो ट्रांसफर, अथॉरिटी को भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, जिसको आप काम दोगे बेटे करने के लिए, उसको आप उसको अपने काम को बेहतर तरीके से कर सके उसके लिए आप उसको क्या दोगे बच्चों, अथॉरिटी भी दोगे। थर्ड वन की अगर हम लोग बात करते हैं बेटे, अकाउंटेबिलिटी की, तो देखो इसने कहा ना, अकाउंटेबिलिटी हमेशा उस व्यक्ति के रहेगी टू द पर्सन टू होम वर्क हैज बीन हैंडेड ओवर, जिसने आपको काम करने के लिए दिया है। देखो अपने एग्जांपल के अंदर बेटे, फाइनेंस मैनेजर ने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए कहा है सब डिपार्टमेंटल मैनेजर को, सब डिपार्टमेंटल मैनेजर ने आगे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी अपने सबॉर्डिनेट को, ठीक है। अब बेटा उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर कर दी, उसे काम से संबंधित सारे उसको डिसीजन मेकिंग भी दे दी, इट मीन्स उसको अथॉरिटी भी ट्रांसफर कर दी, बट द फाइनल अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द पर्सन होम द वर्क इज असाइंड, जिसने हमें काम दिया है। तो देखो बेटे, ऐसा सब करने से भी डिपार्टमेंटल मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, जो आंसरेबिलिटी है, किसके लिए रहेगी बच्चों, फाइनेंस मैनेजर के लिए रहेगी, क्योंकि बेटे जो बेसिकली हमारा सब डिपार्टमेंटल फाइनेंस मैनेजर है, उसको वास्तव में काम किसने दिया है, फाइनेंस मैनेजर। इट मीन्स अथॉरिटी कैन बी ट्रांसफर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी ट्रांसफर्ड, बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, इट ऑलवेज अराइज टू द पर्सन होम द वर्क हैज बीन गिवन, जिसने अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं।
अथॉरिटी को ट्रांसफर कर सकती हो बच्चों, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर कर सकती हो, लेकिन जो आंसरेबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, इट कांट बी डेलीगेटेड, इट कांट बी ट्रांसफर्ड। अब देखो बेटे प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एफ जी मुर्रे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, असाइनिंग वर्क, काम देना किसको, टू अदर्स एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट। इसका मतलब क्या है बच्चों, लोगों को काम देना, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं, और साथ साथ उनको काम देने के साथ साथ क्या करना बच्चों, उनको अथॉरिटी देना ताकि वो काम को सही तरीके से कर सके। ओके, अब देखो बेटे एलिमेंट्स क्या क्या, एलिमेंट्स क्या है बेटे कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में होता क्या क्या है। फर्स्ट वन बच्चों, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है बच्चों, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इट रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या होता है बच्चों, आज्ञाकारी बनाती है, ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। तो बेटे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबॉर्डिनेट को काम के प्रति क्या बनाती है बच्चों, ऑब्लिगेट बनाती है, आज्ञाकारी बनाती है। इट अराइज़ेज किसके कारण होती है बेटे, हम किसी को काम कब सौंप पाते हैं, जब कोई हमारे नीचे काम करता है। तो ये बेटे किसके कारण अराइज होती है, सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप के कारण। ओके, अब देखो बेटे इट मेक्स सबॉर्डिनेट ड्यूटीफुल। इसके कारण बेटे जो सबॉर्डिनेट है बेटे नीचे काम कर रहा है, वो अपने काम के प्रति क्या हो जाता है बच्चों, कर्तव्यनिष्ठ हो जाता है, जिम्मेवारी हो जाती है। तो जिम्मेवारी हम लोग बेटे तभी सौंप सकते हैं ना किसी को, कब सौंप सकते हैं, जब हमारे और सामने वाले के बीच में कैसा रिलेशन होगा, सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। अब देखो बेटे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइंड, जैसे मैंने अभी बताया ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी को भी दे सकते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्ति को। तो बेटे इसका जो फ्लो होता है बेटे वो होता है अपवर्ड। कैसा फ्लो होता है स्टूडेंट, अपवर्ड फ्लो। ठीक है, आगे देखिए बच्चों अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होता है बेटे, अथॉरिटी मीन्स टू टेक डिसीजन। अब देखो बेटे अधिकार, अथॉरिटी में नहीं अधिकार, अधिकारों का मतलब यहाँ पर क्या है बेटे, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों अथॉरिटी। बिना अथॉरिटी के बेटे मैनेजीरियल पोस्ट की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बेटे सेकेंड और इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है बच्चों डेलीगेशन का, अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड अथॉरिटी। अथॉरिटी कैन बी असाइंड टू अदर। जब आप किसी को बेटे रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, देन यू हैव टू प्रोवाइड अथॉरिटी टू हिम। जब आप किसी को काम दोगे करने के लिए बेटे, तो आप अथॉरिटी को भी बेटे क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। इट मेक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। अगर आपके पास बेटे अथॉरिटी है तो आप अपने निर्णयों को बहुत अच्छे तरीकों से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि अथॉरिटी का मतलब ही क्या है बच्चों, डिसीजन मेकिंग। आगे देखिए इट फ्लोस टॉप टू बॉटम। इसका जो फ्लो होता है बच्चों वो कहां से होता है, टॉप से बॉटम की तरफ होता है। ठीक है, आगे देखिए बेटे अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है बेटे, अनसेबिलिटी टुवर्ड्स द डेलीगेटर। डेलीगेटर कौन होता है बेटे, अब देखो किसी सीनियर मैनेजर ने अपने नीचे काम करने वाले सुबॉर्डिनेट को काम दिया है बेटे करने के लिए। ठीक है, आगे सुबॉर्डिनेट ने अपना काम डिवाइड करके वर्कर्स को दे दिया है। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों कि अकाउंटेबिलिटी होती है जवाबदेही, आपकी अनसेबिलिटी टूवर्ड्स द डेलीगेटर। हु इज द डेलीगेटर, हु असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हमने काम दिया है वो क्या है बच्चों, डेलीगेटर। तो बेटे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी ट्रांसफर्ड, कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, कैन बी ट्रांसफर्ड, बट अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड। आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटे, इसके अंदर आता भी है कि कैन अकाउंटेबिलिटी बी ट्रांसफर्ड बी डेलीगेटेड, तो इसका आंसर आएगा बच्चों नो, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। इट ऑलवेज अराइज टू द पर्सन हुम द वर्क असाइन टू हिम, असाइन टू अस। जिसने हमें काम दिया ना, उस डेलीगेटर के लिए हमारी फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी आंसरबिलिटी मेंटेन रहेगी। हम ये नहीं कह सकते कि उसने काम अच्छे ढंग से नहीं किया, नो, बिकॉज फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति के लिए हमारी हमेशा रहेगी जिसने हमें काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। ठीक है बच्चों, देखिए इट रेफर टू द आंसरबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, इट इज ओनली टूवर्ड्स द डेलीगेटर। मैंने कहा ना कि ये जो बेटे होती है ना किसके लिए होती है, डेलीगेटर्स के प्रति होगी, और इट फ्लोस अपवर्ड। इसका जो फ्लो होता है बेटे वो कहाँ होता है, अपवर्ड होता है। तो बेटे ये थे इसके तीनों एलिमेंट। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बेटे, इसका प्रोसेस, प्रोसेस क्या है इसका। ठीक है बच्चों, कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। पहले मैंने एलिमेंट डिस्कस किए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अथॉरिटी क्या होती है, और लास्ट वन अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। उसी से बेटे काफी रिलेटेड है बेटे हमारा प्रोसेस, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो बेटे आपको पता है
नो ऑफिसर इज कैपेबल टू डू ऑल द वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो ही डिवाइड्स द वर्क टू हिज सबॉर्डिनेट. ओके, दिस इज कॉल्ड असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब देखो बेटे होता क्या है, वाइल असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर हैज कैप्ट इन माइंड द कैपेबिलिटी एंड द नॉलेज ऑफ हिज सबॉर्डिनेट. अब आप बेटे किसी को काम दे रहे हो करने के लिए, तो आपको बेटे ये पता होता है ना कि वो उस काम को करने के लिए नॉलेजेबल है नहीं है, उसको उस काम का एक्सपीरियंस है नहीं है. तो बेटे एक मैनेजर क्या करता है, कुछ क्रिशियल जो वर्क होते हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्क है बेटे, उनको अपने पास रखे, इम्पोर्टेंट टास्क को अपने पास रखे, बाकी अनइम्पोर्टेंट काम बेटे वो क्या कर देता है, अपने सुबॉर्डिनेट्स को डिवाइड कर देता है. ठीक है बेटे. और बेटे वाइल असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर हैज टू कैप्ट इन माइंड द नॉलेज एक्सपीरियंस ऑफ ए सुबॉर्डिनेट. ठीक है बच्चों. अब इसके साथ साथ बेटे जैसे इसमें एग्जांपल ले लीजिए बेटे, फाइनेंस मैनेजर है वो क्या करता है, जो इम्पोर्टेंट है फाइनेंस मैनेजर का काम वो अपने पास रखे, बाकी डाटा कलेक्शन रिकॉर्ड्स मेंटेन करना वो सारा काम वो किसको ट्रांसफर कर देता है बच्चों, किसको ट्रांसफर कर देगा, अपने सुबॉर्डिनेट को. सेकेंड देखिए बच्चों, फिक्सिंग ग्रांटिंग अथॉरिटी. अथॉरिटी क्या है बच्चों, डिसीजन मेकिंग. ओके, तो देखो बेटे अब वाइल असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइडिंग अथॉरिटी इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई स्टूडेंट, मीनिंगलेस हो गई. देखो बेटे आपने यहाँ पर एक प्रिंसिपल आता है, अगर आपको ध्यान हो बेटे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, ध्यान है बेटे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज हैंड टू हैंड. देखो बेटे अधिकार और उत्तरदायित्व तो एक साथ चलते हैं, ठीक है ना. मुझे आप बताना बेटे इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो में बेसिकली कि ये जो प्रिंसिपल है मैंने अभी डिस्कस किया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्रिंसिपल हमें किसने दिया था और इसका मीनिंग क्या है. ठीक है, अब मैं बताती हूँ बेटे. तो अगर हम बेटे किसी को जॉब असाइन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो बेटे अगर उसके लिए हम सफिशियंट मैनर में उसको डिसीजन मेकिंग के लिए अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इट्स अ मीनिंगलेस टू असाइनिंग द ड्यूटीज बिकॉज ही और शी इज नॉट कैपेबल टू टेक द डिसीजन वाइल डूइंग द वर्क. क्योंकि बेटे काम करते हुए वो डिसीजन नहीं ले पाएगा. जैसे कि एग्जाम्पल ले लो बेटा, एक परचेज मैनेजर है बेटे, ठीक है, उसको छोटी छोटी बातों के लिए प्रोडक्शन मैनेजर से कंसल्ट करना पड़ता है. उसके पास इवन इतनी भी अथॉरिटी नहीं है कि वो क्या कर सके कि कोई भी रॉ मटेरियल खुद परचेज कर सके. जैसे ही कोई भी फेवरेबल, मान लो एक एग्जांपल के अंदर कि एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के पास आती है, एक अच्छा ऑर्डर कंपनी के पास आता है, लेकिन जो प्रोडक्शन मैनेजर है किसी कारण से बाहर गया हुआ है, ठीक है, और अब परचेज मैनेजर है उसकी परमिशन के बिना स्टॉक नहीं कर सकता, तो क्या कंपनी टाइमली अपना ऑर्डर पूरा कर पाएगी? ऑब्वियसली नॉट, नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी परचेज मैनेजर को, बट उसको अपने काम को पूरा करने के लिए, एफिशिएंटली पूरा करने के लिए प्रॉपर अथॉरिटी आपने नहीं दी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना आपका मीनिंगलेस हो जाता है इफ यू आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अथॉरिटी. ओके, थर्ड वन, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी. फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी क्या होता है बच्चों? फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी का मतलब है टू फिक्स द आंसरेबिलिटी ऑफ अ सुबॉर्डिनेट टूवर्ड्स द सीनियर, टूवर्ड्स द डेलीगेटर. देखो बेटे जो आंसरेबिलिटी है कि आपने काम को कैसे किया कैसे नहीं किया, अगर आपकी परफॉर्मेंस बेटर रही तो आपने उसके लिए क्या किया, ठीक है ना, अगर आपका जो काम है आपने उस टारगेट को अचीव नहीं किया तो उनके पीछे क्या रीजन रहा. तो आंसरेबिलिटी ऑलवेज अराइजेज टू द पर्सन हुम द वर्क इज असाइन, जिसने हमें काम दिया है, टूवर्ड्स द डेलीगेटर. बेटे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, क्रिएट होगी. क्यों क्रिएट होगी? क्योंकि जब बेटे हमें काम दिया गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई थी, अथॉरिटी ग्रांट की गई थी, तो व्हाट इज द रीजन फॉर द वर्क परफॉर्मेंस. अगर हमने अपने काम को पूरा नहीं किया है, टारगेट्स को पूरा नहीं किया है, तो हमारी अकाउंटेबिलिटी हमेशा क्या होती है बच्चों, अराइज होती है. ठीक है, रियल मीनिंग क्या होता है बेटे अकाउंटेबिलिटी का? वैसे बेटे रियल मीनिंग होता है जस्टिफिकेशन, यानी कि न्यायोचित तरीके से एक सीनियर अपने सबॉर्डिनेट से जस्टिफिकेशन मांग रहा है towards his performance, कि justification is demanded by the senior towards the subordinate. वो अपने subordinate से काम के प्रति एक basically उसे क्या मांग रहा है, justification मांग रहा है कि उसने काम को सही ढंग से पूरा किया या नहीं किया. तो बेटे इस process के अंदर तीन ही बातें हैं, responsibility assign करना, दूसरा granting authority उसको काम को सही ढंग से पूरा करे उसको authority देना, और third one देना बेटे उसको account, third क्या बन जाएगा बेटे उसकी accountability, उसकी जवाबदेही को निश्चित करना. अब इसके बाद बेटे हम टॉपिक करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. आर द सम इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. वैसे तो देखो बेटे ये आपकी बुक में से पॉइंट दिए हुए मैंने एज इट इज आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ, लेकिन बेटे आप अपनी मर्जी से भी पॉइंट बना सकते हैं. जैसे देखो बेटे हमने क्या सोचा कि हम लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन कर रहे हैं, अथॉरिटी ग्रांट कर रहे हैं, और नो डाउट उसकी अनसेबिलिटी को फिक्स कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा,
सबसे पहली चीज इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे होगा, देखो बेटे बाय प्रोवाइडिंग द अथॉरिटीज टू द सबॉर्डिनेट। यहां पर बेटे मैनेजर क्या कर रहे हैं बच्चों, अपनी जो काम करने से रिलेटेड जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज हैं, जो अनइम्पॉर्टेंट वर्क है, रूटीन वर्क है, देन दे कैन ट्रांसफर टू द अदर पर्सन, अदर देयर सबॉर्डिनेट। वो अपने सबॉर्डिनेट को बेटे वो काम ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, जब उनको काम ट्रांसफर कर रहे हैं बेटे, तो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है बच्चों वो क्या हो रहा है कि वो थोड़ा सा रूटीन की एक्टिविटी से क्या हो जाएंगे बच्चों, फ्री हो जाएंगे। देन दे थिंक न्यू आइडियाज एंड न्यू एरियाज ऑफ एंड न्यू डेवलपमेंट फॉर एंड द डेवलपमेंट आइडियाज फॉर द कंपनी। और तो इसके कारण बेटे क्या हो जाएगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखो बेटे सबॉर्डिनेट को अगर आप इम्पावरमेंट करते हो बेटे, तो इसका सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन फायदा क्या होता है कि इसके अंदर वो क्या करता है स्टूडेंट, बेसिकली तो बेसिकली बेटे यहाँ पर वो क्या करेगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट करेगा। क्योंकि बेटे जो डेली रूटीन की अनइम्पॉर्टेंट काम है बेटे, उसने अपने एम्प्लॉयज को क्या कर दिया, स्टूडेंट ट्रांसफर कर दिए हैं। तो बेटे वो डेवलपमेंट के नए नए आइडियाज उसके माइंड में आएंगे और वो कंपनी के डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा और इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेगा। सेकेंड वन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट टेक प्लेस वेन द एम्प्लॉयज आर फ्री टू टेक द डिसीजन। अब देखो बेटे एम्प्लॉय की डेवलपमेंट कब होती है, जब बेटे आप उसको काम के साथ साथ व्हाइल असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर ग्रांटिंग द ग्रांटेड अथॉरिटी, देन एम्प्लॉय डेवलपमेंट टेक प्लेस। तो बेटे इसके कारण क्या हो जाती है स्टूडेंट, एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट हो जाती है। देखो बेटे वैसे भी एक नेचुरल सी वक्त है, अगर आपको भी बेटे काम करने के लिए रिसोर्स, काम करने के लिए क्या दी जाती है बेटे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी देते हैं, तो नो डाउट बेटे आपकी डेवलपमेंट हो जाती है। क्योंकि बेटे आपके पास बेसिकली कभी कोई एडवर्स सिचुएशन हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, उस एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा अथॉरिटी देकर उस काम को सक्सेसफुल तरीके से करा सकते हो। क्योंकि बेटे मेंटल डेवलपमेंट तभी होती है बेटे जब आप किसी को काम करने के साथ साथ अधिकार भी पूरी तरह से देते हो। ठीक है, अब देखिए बच्चों मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज। अब देखो बेटे मोटिवेट होने का मतलब क्या होता है, फीलिंग सेटिस्फाइड, ठीक है ना, फीलिंग जॉब सिक्योरिटी। तो बेटे एम्प्लॉयज मोटिवेट कब होता है बेटे, एम्प्लॉयज मोटिवेट तब होता है बेटे व्हाइल असाइनिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन यू ग्रांटिंग द अथॉरिटी ही और शी फील्स इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अपने आप को बेटे ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा समझता है। ठीक है, देन दे ट्राई टू एग्जिबिट देयर नॉलेज देयर टैलेंट टूवर्ड्स द एकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बेटे वो अपने टैलेंट अपने स्किल का यूज करते हैं, जिसका बेनिफिट किसको होता है बच्चों, कंपनी को होता है। जब वो बेटे बेटर परफॉर्मेंस करते हैं तो कंपनी उनको क्या करती है बेटे, बेटर स्केल प्रोवाइड करती है, जिससे उनको क्या मिलती है बेटे, बेटर सैलरी मिलती है, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है, नो डाउट बेसिकली जो उनका डेजिग्नेशन है वो भी क्या हो जाता है बेटे, इंक्रीज हो जाता है। तो बेटे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को क्या करती है बच्चों, मोटिवेट करती है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। फैसिलिटेट्स ग्रोथ का मतलब, ग्रोथ का मतलब क्या है बेटे, व्हेन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अडॉप्टेड इन ऑर्गेनाइजेशन इट डजंट डेवलप द इट इज नॉट द डेवलपमेंट ऑफ ए सिंगल एम्प्लॉय, इट डेवलप द होल ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटे इन ऑर्गेनाइजेशन देर आर सेवरल नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज आर वर्किंग। ओके, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे लोग काम कर रहे हैं बेटे। जब आप बेटे क्या करते हो कि एम्प्लॉय को उसके काम से रिलेटेड सारी अथॉरिटी ग्रांट करते हो, तो बेटे वो सेटिस्फाइड रहते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं। दे थिंक अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। एक्सपेंशन क्या होता है बेटे, कंपनी के बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस का खुलना क्या कहलाता है बेटे, एक्सपेंशन। मॉडर्नाइजेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के अंदर नए नए टेक्निक को यूज करना, तो ठीक है ना बेटे। अब कंपनी का जब एक्सपेंशन हो जाएगा, कंपनी अपनी ब्रांचेस डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के अंदर ओपन कर पाएगी, किसके कारण, क्योंकि बेटे वो अपने एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड करती है। तो वो बेटे बिल्कुल वो दे फील लिबर्टी टू टेक द डिसीजन, वो डिसीजन को लेने में अपने आप को बड़ा आजाद महसूस करते हैं, तो वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। इसके कारण बेटे कंपनी का एक्सपेंशन हो जाता है, यानी कि एक सिटी दूसरी सिटी से कंपनी अपनी ब्रांचेस को ओपन कर पाती है, कंपनी मॉडर्नाइजेशन को फॉलो करती है। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट, नई नई टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना। एंड थर्ड वन, इसके कारण क्या होता है बेटे, कंपनी की डेवलपमेंट हो जाती है, कंपनी का ग्रोथ पॉसिबल हो जाता है। आगे देखिए स्टूडेंट, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरकी। मैनेजमेंट हायरकी क्या होता है बेटे, प्रबंध की आवश्यकता अनुसार। इफ यू वांट टू डू द मैनेजमेंट, अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना चाहते हैं, देन यू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज।
मैनेजमेंट की जो हायरकी है बेटे, इसी के कारण क्या क्रिएट होते हैं, सीनियर सुबॉर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं। तो बेटे सीनियर सुबॉर्डिनेट जो रिलेशनशिप हमारे क्रिएट होते हैं वो सक्सेसफुल कब काम करते हैं, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में किसको फॉलो करते हैं स्टूडेंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को जब आप लोग क्या करते हैं बच्चों, फॉलो करते हैं। अंडर दिस अथॉरिटी फ्लोस फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम, जो अथॉरिटी है बच्चों वो कहां से आती है, टॉप टू बॉटम आती है, ठीक है बच्चों। तो बेटे इसके कारण बेटे जो एम्प्लॉयज हैं बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। एक पॉइंट और है स्टूडेंट इसके अंदर, बेटर कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना स्टूडेंट, बेटर कोऑर्डिनेशन। तो बेटे इसका जो एक सेकेंड, बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या होता है स्टूडेंट, इट्स अ डेलिबरेट एफर्ट, ठीक है ना, इसको हम लोग जानबूझ के करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। तो बेटे यहाँ पर हम लोग भी क्या कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो जाता है, जब हम हरेक व्यक्ति को उसकी नॉलेज उसकी बेसिकली स्किल के अकॉर्डिंग उसको काम डिवाइड करते हैं, क्योंकि बेटे कोई भी व्यक्ति सारा काम नहीं कर सकता, तो इसलिए हम लोग क्या फॉलो करते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगर हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को बेसिकली फॉलो करते हैं तो वर्क डिविजन हो जाता है, डिविजन ऑफ वर्क हो जाता है, काम का बंटवारा हो जाता है। काम का जो बंटवारा करते हैं वो हरेक व्यक्ति की नॉलेज उसकी स्किल उसकी बेसिकली कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो बेटे इसके कारण ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा तालमेल स्थापित हो जाता है। तो बेटे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इस हम लोग इसको बेसिकली ब्रीफली बोल सकते हैं, इट्स अ प्रोसेस, ठीक है ना, ये एक प्रोसेस है बेटे जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्रिशियल डिसीजन मेकिंग, क्रिशियल पावर अपने पास रखकर बाकी जो काम डेली रूटीन एक्टिविटी से रिलेटेड है वो अपने सुबॉर्डिनेट को ट्रांसफर कर सकते हैं। बेटे दो मार्क्स का क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था, कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड, इसका आंसर आएगा बच्चों नो, अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते, इट ऑलवेज अराइजेज टुवर्ड्स द डेलीगेटर। ओके बेटे मैंने आपको ये पॉइंट कराया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, कई बार इसमें से एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाता है। तो बेटे मैं इस पॉइंट के अंदर और जो नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगी डिसेंट्रलाइजेशन, उन दोनों के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंशिएट आपको करना आना चाहिए, क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के अंदर बेटे स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम डेलीगेशन क्यों नहीं आएगा, डिसेंट्रलाइजेशन क्यों आएगा, ठीक है बच्चों। तो बेटे इस प्रोसेस को जो टॉपिक मैंने कराया है इसके अंदर एलिमेंट्स प्रोसेस इंपॉर्टेंस, इसको बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर कीजिए, और बेसिकली आप मुझे नेक्स्ट डे इसको लर्न करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।